मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया नाल लुट होने की खबर है। लुट की यह घटना जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रैस ट्रेन के एसी कोच में हुई। हुण तक मिली जानकारी के अनुसार मथुरा नज़दीक 5 हथियारबंद लोगों ने उन्होंने नकदी और गहने लुट ले। दिल्ली के रेलवे पुलिस फोर्स यानी RPF ने मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार मथुरा के कोसीकला इलाके हथियारबंद बदमाशा ने वीरवार सवेरे करीब 4 बजे लुट की इस वारदात को अंजाम दिता। बदमाशा ने गन पॉइंट से वित्त मंत्री तो समान लुटिया। वित्त मंत्री जयंत मलैया अपनी पत्नी के नाल जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रैस के फर्स्ट एसी कोच के सफर कर रहे सन। इस दौरान लुटेरिया ने उन्होंने जान तो मारन की धमकी भी दी। जबलपुर निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस से हम दमों से बोर्ड किए और हम दिल्ली आ रहे थे। मलैया जी भी थे, मैं भी थी। 4 बजे के लगभग किसी ने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा नॉक किया। हमने पहली बार में नहीं खोला, दूसरी बार में खोला। हमें लगा कि कोई इमरजेंसी किसी यात्री के साथ ना हो, ऐसी कोई बात है, क्योंकि इतनी ज़ोर से कोई हमें ये कल्पना में भी नहीं हो सकता था कि फर्स्ट एसी में चोर लुटेरे आ सकते हैं। तो जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा क्या बात है, इतनी ज़ोर से क्यों खटखटा रहे हो? तो उसने कहा चुपचाप चल। उसने गालियाँ वालियाँ दी और उसने कहा चुपचाप चल अंदर, नहीं तो छुरा भोंक दूंगा। ऐसा कह, 5 लोग अटेंडेंट के पास थे और 5 लोग मेरे कूपे में घुसे थे, और जो दूसरे वाले कूपे के लोग थे उनका कहना था उनके यहाँ 6-6 आए थे। उन्होंने अपने आगरा कंट्रोल को सूचना दी थी। आगरा कंट्रोल इतना प्रबंधन बढ़िया है कि उन्होंने ट्रेन जो निज़ामुद्दीन बाउंड ट्रेन को उन्होंने दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे के कंट्रोल को सूचना दी, और जिस कांस्टेबल ने फ़ोन उठाया उसने यहाँ सूचना नहीं दी। निज़ामुद्दीन में भी यहाँ कोई सूचना नहीं थी। 1.5 घंटे तक 4 बजे के बाद ट्रेन चलती रही, इतना बड़ा हादसा हो गया। खबरों दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरों नाल जुड़े रहो दिन रात।